सामूहिक बलात्कार कांड हुआ हो, 2020 में एक आदिवासी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया, 2021 में चुनाव संपन्न होने के बाद जो हुआ वो तो पूरे देश ने देखा, किस ढंग से सुनियोजित हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में हुई, और उसके बाद 2022 में हंसखाली, और इसी वर्ष आपको याद हो शाहजहां शेख किस शहंशाही अंदाज में पुलिस के संरक्षण में चलता हुआ दिखता था। वो लगता ही नहीं था कि पुलिस की हिरासत में है या पुलिस उसकी सिक्योरिटी में चल रही है, और आदिवासी महिलाओं के साथ इतने गंभीर आरोपों के बाद, फिर जुलाई में हावड़ा का विषय हो, और आपको याद हो इस घटना से पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक महिला को कोड़े से पीटा गया, और इसके बाद क्या कहा गया वहां के विधायक हमीदुर रहमान के द्वारा कहा गया कि नहीं वो तो महिला का चरित्र खराब था, और यहां तक कि उसमें मजहबी कानून की दुहाई दी गई कि जो हो रहा था वो सही था, इसलिए हमने कहा वो मानसिकता थी जिसने बढ़ते बढ़ते आज आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद किए कि इस दुखद घटना के बाद तोड़फोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता, धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुठलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री यह कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही कि 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी, जब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पर प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज यह भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के दो लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आप सबसे जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा कि गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोलते हों। तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से यह भी पूछना चाहते हैं और हम ये कहना चाहेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाया कर, और जब से इन दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस समय इन दो लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है। और इससे पूर्व भी ये पार्टियां सदैव अपराधियों को, यहां तक कि आतंकवादियों को भी प्रश्न देती रही,
अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं तो उसके उपरांत भी आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास, देखिए दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो पीडीए का नारा देते थे वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधा अनुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ए का मतलब आदिवासी है, और जब से पाणे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ए का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है उससे अब ये पीडीए तो मुखौटा है और इसके पिछले का असली चेहरा है परिवारवादी दबंग, परिवारवादी दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक डीएनए में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा, बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए आदम गोंदवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर दो पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज जो विधायक निवास में। रागे की ऊंची लाइन है, मेरी नहीं है। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है, जो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के जबानी मैंने बताने का प्रयास किया, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व हैं इंडी गठबंधन वाले, अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है। धन्यवाद। में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अन्य बयान की आवश्यकता नहीं। देखिए बहुत दुखद बात है,